हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिना इन विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी जाती है, ट्रेवल करती है, तो ये अपना रास्ता बदल लेती है। इस चीज को वी कॉल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Then, what are laws of refraction? Laws क्या है refraction के? First is incident ray, refracted ray and normal all lie on the same plane at the point of incidence of light. जो रे आ रही है incident, जो रे मुड़ रही है refracted ray और जहाँ पे perpendicular है normal, ये सभी एक ही plane में lie करेंगे और कहाँ पे, जहाँ पे light incident हो रही है। Second law is Snell's law. Ratio of sine of angle of the incidence to the angle of sine of refraction is constant for a pair of media and corresponding color of light. दूसरे लॉ को Snell's का लॉ भी कहा जाता है। इसमें क्या है? इंसिडेंस के साइन एंगल को और जब रिफ्रैक्शन के साइन एंगल को आप डिवाइड करोगे तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू फिक्स रहेगी अगर आपने मीडिया, मतलब दो मीडियम आप कह सकते हो, और अगर लाइट है वो फिक्स कर दी है। लाइट बहुत सारे कलर्स की होती है, एक स्पेसिफिक कलर और पेयर, जैसे ग्लास, वाटर, वाटर एयर, तो लाइक दैट, तो उनके लिए वो वैल्यू फिक्स मिलेगी। उस वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वो मैंने हालांकि यहाँ पे कवर नहीं की है, बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ स्नेल्स लॉ पे ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। होप दिस मच विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर होया होगा। धन्यवाद।